गुड मॉर्निंग, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से शिवप्रिया झा सर के साथ यूपीएससी अड्डा चैनल पर। तो आइए जरा बढ़ चलें और जानें आज के इतिहास के सेशन में क्या क्या खास रहने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव सेशन के थ्रू हम लोग अपने काफी सारे टॉपिक को डिस्कस किया करते हैं स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन। और बढ़ने से पहले जरा एक बार आप सभी प्यारे बच्चों जरा लाइक शेयर जल्दी से जल्दी जरा कर डालिए, और भाई मेरे यदि चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, जल्दी जल्दी से ये काम जरा फटाफट से कर लीजिए बच्चों आप लोग, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो भैया सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना यार, है ना। चलिए सर, तो अब बढ़ा जाए आगे की ओर, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आप सभी बच्चों को बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या खास है अपना। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि देखिए भाई एमपीपीसीएस की एग्जाम डेट आप लोगों को एग्जाम डेट कह रहे हैं, फॉर्म फिल करने की डेट आप लोगों की बढ़ गई है, तो बस फॉर्म को फिल करिए जल्दी से, और उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। देखिए शुरू हो चुका है बैच, बेशक आप इसमें हमारी फोटो नहीं देख पा रहे होंगे लेकिन कोई बात नहीं, वो बाई चांस में नहीं है, आज से ही हमारी क्लास है आपकी, शाम को आज इस पे जुड़ेंगे 5 बजे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से जरा इस बैच को जो लोग नहीं ज्वाइन किया भाई कर लेना, Y260 कोड के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 9 फरवरी से यानी कि 2 दिन पहले ही आपका शुरू हुआ है। यस, सो निशा जी, प्रशांत साहब, समीना जी, जूही जी, अनन्या गर्ग जी, अंजलि जी, चांदनी जी, विदुषी, महेंद्र प्रताप जी, सभी 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 स्टूडेंट को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और आइए जरा क्वेश्चन की शुरुआत करी जाए। देखे रमा सिंह जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन क्या है सर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन 1932, रीजन इट अलाउ टू इच माइनॉरिटी मेंबर ऑफ द सीट इन द लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। आप सभी बच्चों को बताना है कि क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, और 20 सेकेंड का टाइम लीजिए और बताइए, फास्ट स्पीड से बताइएगा बच्चों। यस, जल्दी जल्दी जरा। चलिए भाई, और जो जो भी हमारे स्टूडेंट लोग है ना प्रेजेंट आ रहे हैं भाई, जरा एक बार लाइक शेयर जरूर कर डालिएगा बच्चों, ताकि आप लोग भाई इस सेशन के साथ अच्छा खासा एंजॉय कर पाएं, ठीक है। तो चलिए भाई बढ़ा जाए और बढ़कर देखा जाए कि क्या होना चाहिए सर करेक्ट आंसर। देखिए बिंदु जी ओके, चांदनी, अंजलि, अनन्या जी, निशा जी, जूही, चांदनी, तो भाई करेक्ट क्या होना चाहिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन 1932। यस, बिल्कुल अनाउंस किया था, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इट अलाउ इच माइनॉरिटी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो 1932 का जो ये कम्युनल अवार्ड दिया गया था, या आराम से मैकडोनल्ड अवार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, वो उसका बेस था आपका 1909। ध्यान रखिए जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए कहा था, ठीक है, मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए पहले ही हो चुका था बच्चे सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके बाद अंबेडकर जी का कहना था कि दलित लोगों का यानी डिप्रेस सोसाइटी के लिए भी अलग से इलेक्टोरेट में उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। चलिए इसी का हिंदी वर्जन यहां आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है सर, सालू जी नमस्कार, गुड़िया जी गुड मॉर्निंग, ओके कनुप्रिया गुड मॉर्निंग, बच्चे नदीम साहब गुड। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच वर नॉट एलोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट बाय द कम्युनल अवार्ड ऑफ द मैकडोनल्ड। आपको बताना है जो कम्युनल अवार्ड दिया गया उसमें किसको अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, मुस्लिम, सिख, डिप्रेस सोसाइटी, डिप्रेस क्लास एंड बुद्धिस्ट, बताइएगा बच्चों। यस, ट्राई टू आंसर 28 फर्स्ट स्पीड से। और जितने भी लोग हैं भाई 24-25 लोग जो भी लाइव हैं प्यारे बच्चों, एक बार लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा सेशन को, है ना। चलिए भाई बढ़ा जाए सेशन की ओर और आगे जाना जाए कि क्या होना चाहिए सर इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल बुद्धिस्ट, 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 बिल्कुल सही। विजय लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चे, विच वर नॉट एलोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट बाय द कम्युनल अवार्ड। याद रखिए बुद्धिस्ट को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, ठीक है, जबकि मुस्लिम एंड सिख को ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास को अंबेडकर जी के कहने पर दिया, तो कहने का मतलब है बुद्धिस्ट के लिए कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
When did महात्मा गांधी start first unto death? First unto death को इन्होंने कब शुरू किया था? At the time of communal award, at the time of कलकत्ता riot, at the time of जालियांवाला बाग मिसहैप, at the time of दिल्ली riots. First speed से बताइएगा प्यारे बच्चों कि क्या होना चाहिए correct answer yes. गुड मॉर्निंग अर्चना अभी जी, चलिए बताइए बच्चे, ट्राई टू आंसर. देखिए तो क्वेश्चन है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट ऑन टू डेथ. देखिए फर्स्ट ऑन टू डेथ जो स्टार्ट किया था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड. देखिए कम्युनल अवार्ड आपको बताया कि 16 अगस्त 1932 को दिया गया था, ठीक है ना, सीक्वेंस को याद रखा करिए. इसके बाद जैसे ये गांधी जी को पता चला, गांधी जी ने बच्चे इसके अगेंस्ट में जाते हुए 20 सितंबर को 1932 को ऑन टू डेथ आमरण अनशन किया, याराबादा जेल से स्टार्ट किया, ठीक है. इसके बाद आपको याद रखना है फाइनली 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ, और इसके बाद इस फास्ट को खत्म किया गया, ठीक है. सो करेक्ट आंसर क्या है, एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड. बिल्कुल निशा और बिल्कुल सभी लोग जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आंसर. चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अगले पार्ट पर. क्या है, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट ऑन टू डेथ मेनली बिकॉज. महात्मा गांधी ने जो फास्ट ऑन टू डेथ किया था वो क्यों किया था. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फेल टू स्टैटिक पॉलिटिकल एस्पायरेशन, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड अ डिफरेंस ओपिनियन, रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, और फिर ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. बताइएगा क्या होना चाहिए बच्चों, ट्राई टू आंसर. चलो ठीक है, देखा जाए भाई क्या होना चाहिए. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ध्यान रखिए कम्युनल अवार्ड को जो अनाउंस किया, ठीक है, कम्युनल अवार्ड का अनाउंस करना इसी के खिलाफ तो गए थे भाई, अभी हम लोगों ने जाना था. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है. 29-30 लोग लाइव है मेरे भाई, थोड़ा सा लाइक वाइक शेयर वेयर कर डालो यार, है ना. और आइए जरा आंसर पर. हाउ मेनी सीट वर गिवन टू डिप्रेस क्लास अंडर द कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट. कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट में कितनी कितनी सीट दी गई, 74, 79, 71, 147, 78, 80, 78, 69. ये सब के सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं बच्चों, जल्दी जल्दी से जरा बताइएगा फास्ट स्पीड से. यस, चलिए भाई ठीक है, अब देख लिया जाए क्या होना चाहिए सर करेक्ट आंसर. यस, सो देखिए बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है आप सभी बच्चों को कि भाई डिप्रेस सोसाइटी को जो दिया था 71 एंड 147, ठीक है, 71 दिया था भाई आपका कम्युनल अवार्ड में, ठीक है, 71 एंड 147 दिया गया था पूना पैक्ट में. इस हिसाब से बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है. यस यूपी बॉय, बिल्कुल सही भाई. चलिए अगला, पूना पैक्ट वॉज कंसर्न विद, पूना पैक्ट किससे जुड़ा हुआ है, डिप्रेस्ड क्लास, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस या एजुकेशनल रिफॉर्म. फास्ट स्पीड से बताइएगा, ज्यादा भारी नहीं है, सिंपल है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्या आए हुए है ना, ठीक है, बताएं बताएं बच्चों जल्दी जल्दी. ठीक है, तो बढ़िया जरा आंसर की ओर, और आंसर बढ़ा जाए. बिल्कुल सही, देखिए पूना पैक्ट किसके लिए था भाई, डिप्रेस्ड क्लास के लिए था, है ना, तो इसमें सोचना नहीं है. बहुत सारे क्वेश्चन है आज, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ज्यादा सोचते हुए नहीं आगे बढ़े. अगला, ठीक, आईएनए है ये, ठीक है, आईएनए वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ, आईएनए किसका ब्रेन चाइल्ड था बच्चों, आपको ये बताना है, ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या मेजर इवास्ची फुजीवारा, है ना, बताइएगा, ट्राई टू आंसर इन 20 सेकंड. यस, 32 लोग लाइव है मेरे भाई, जल्दी जल्दी से जरा लाइक वाइक शेयर वेयर करते रहिएगा आप लोग, है ना, आपका लाइक शेयर का तुलनीय योगदान रहता है भाई, है ना, थोड़ा करिए बढ़ाइए इसको.
चलो ठीक है, अब देखा जाए कि क्या होना चाहिए सर करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल ओके, स्वर्ण वर्षा सिंचेन। देखिए आंसर क्या है भाई, आप सभी को बताएं, आप सब मोहन सिंह करे जा रहे हैं ना, बट करेक्ट आंसर अब याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है बच्चे ज्ञानी प्रीतम सिंह एंड मेजर इवास्ची फुजीवारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर आर करेक्ट, याद रखिए। अभी हम सीक्वेंस बता रहे हैं, फिर आपको समझ आएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों कि यदि ऑप्शन में इन दोनों का नाम नहीं है, प्रीतम सिंह एंड इवास्ची फुजीवारा, ये जापान के थे, इन दोनों का नाम नहीं है, तो आप मोहन सिंह जी को ढूंढेंगे, हुआ क्या, देखिए गदर पार्टी सब के बाद 1919 में ये यहां से निकले थे मोहन सिंह जी, ठीक है, चले गए थे बर्मा यानी म्यांमार, वहां से जाकर धीरे धीरे ये जापानियों के कॉन्टेक्ट में आए, और वहां पर जाकर बच्चे ये कांटेक्ट में आए थे किसके, इवास्ची फुजीवारा के, और उसके बाद ही ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था आईएनए का, ठीक है। तो इसलिए पहले ये दोनों ऑप्शन ढूंढना है, यदि ये दोनों ना मिले तो आप जाएंगे इस पर मोहन सिंह पर, ठीक है। और भाई ये जो सुभाष चंद्र बोस है ना, ये आपको याद रखना है अगले वर्ष यानी 1943 में ना इसके अध्यक्ष बने थे, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 4, ठीक है। चलिए हु फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, जल्दी जल्दी से जरा बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है। हाँ प्रशांत साहब का ये क्वेश्चन आपने पहले बताया था सर, बहुत बढ़िया भाई प्रशांत, चलिए इस क्वेश्चन को आप करिए, चलिए फटाफट से, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं भाई लाइक शेयर के साथ जुड़िएगा। याद आ गया, बहुत बढ़िया, चलिए सर टाइमर अप हो चुका है, अब देखा जाए कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं जरा आंसर की ओर, देखिए 36 लोग लाइव हुए भाई, थोड़ा और बढ़ाओ। हु फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखिए फॉरवर्ड ब्लॉक को जो बनाया गया था, आप सब जानते हैं कि 1939 के कांग्रेस के सेशन के बाद, 1939 के कांग्रेस के सेशन के बाद, आपको ध्यान रखना है जब इन दोनों में मनमुटाव हुआ, यानी कि गांधी जी के मतभेद हुए अपने सुभाष चंद्र बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस साहब ने इसको छोड़ दिया पार्टी, और पार्टी छोड़ते हुए बच्चे क्या कर लिए, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो भाई किसने बनाया, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अच्छा इनका साथ कौन जिए थे वो भी आगे क्वेश्चन में रहेगा, आप सब बच्चों को उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, हु ज्वाइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद द आईएनए मूवमेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और बताइएगा फास्ट स्पीड से, जयप्रकाश नारायण है ना, अगला है बैकुलनाथ शुक्ला, तीसरा है सिलभद्र जी, चौथा है राम नारायण प्रसाद, पांचवा है बच्चों नन ऑफ द अबव मोर देन वन। 40 लोग लाइव है मेरे भाई, एक बार लाइक शेयर जल्दी से जल्दी जरा कर डालिएगा, और आंसर बताइए फास्ट स्पीड से बच्चों, आंसर होना चाहिए आप सबका, है ना। चलिए जरा देखा जाए क्या क्या आ रहे हैं आप लोगों के आंसर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, गुड जूही जी, ओके ओके भाई, बढ़ते हैं आगे की ओर, टाइमर अप हो चुका है, अब आंसर की बारी है, ठीक है। आंसर में क्या है बच्चे, आंसर में आप सभी को ध्यान रखना है बिल्कुल, जिनका भी स्वर्ण वर्षा, रितेश जी, ओके गुड़िया जी, देखिए संभवी गलत है बच्चे, करेक्ट आंसर है सिलभद्र जी, है ना, सिलभद्र जो है बच्चे, इनके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, नहीं नहीं संभवी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों है भाई करेक्ट आंसर, ये सुनो, इसका लॉजिक ये है कि जो जब अपना, ठीक है, जब फॉरवर्ड ब्लॉक बना था ना, उसी टाइम पर ये सिलभद्र जी जो हैं, ये गए और जाकर मिले सुभाष चंद्र बोस से, और वहां पर मिलकर इनके साथ साथ इवन जर्मनी तक भी गए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको क्या याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, अगला है क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज रिएक्शन ऑफ, क्विट इंडिया मूवमेंट किसका रिएक्शन था, है ना, द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन अगेंस्ट द क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है। दूसरा है द थ्रेट ऑफ जापानीज अटैक ऑन द इंडिया टू प्रोवोक कंट्रीमैन टू अडॉप्ट वायलेंट मींस ऑफ गांधी जीज आर्टिकल, चौथा है ड्यू टू पासिंग ऑफ द प्रपोजल ऑफ अगस्त 1942 बाय एआईसीसी। जल्दी से बताइएगा कि क्विट इंडिया किसका रिजल्ट था, फास्ट स्पीड से जरा। और भाई मेरे थोड़ा सा यार लाइक वाइक शेयर वेयर करते रहो, चलिए देखा जाए सर आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आप लोगों का,
है ना। तो आइए जरा आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट ये याद रखना, क्विट इंडिया मोमेंट किसका रिएक्शन था? डिसअपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन अगेंस्ट द क्रिप्स मिशन, बिल्कुल ये सही है भाई, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट द थ्रेट ऑफ जापानीज अटैक ऑन इंडिया, ये भी करेक्ट है बच्चों, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है, टू प्रोवोक कंट्रीमैन टू अडॉप्ट वायलेंस मींस बाय गांधी जी आर्टिकल, भैया गांधी जी कभी भी अपने आर्टिकल में इस तरह का कुछ नहीं लिखते थे जो वायलेंस मींस को अपनाया जाए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो गया, ठीक। चौथा, ड्यू टू द पैसेज ऑफ द प्रपोजल ऑफ अगस्त 1942 बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यस, इस कमेटी के हेड थे, आप जानते हैं इस कमेटी के हेड थे अपने जवाहरलाल नेहरू साहब, और उसको सपोर्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने भी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बाय हुम द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1942, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, फास्ट स्पीड से बताइएगा बच्चों इसको भी, चलिए जल्दी जल्दी से जरा। चलिए भाई टाइमर अप हो चुका है, अब देखा जाए कि टाइमर अप होने के बाद सर क्या क्या आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, चलिए बढ़ा जाए। देखिए सबसे पहले तो आप बच्चों को बता दें कि इस क्वेश्चन का क्या है भाई, जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा ये मोशन मूव किया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। अच्छा यही एक और पॉइंट याद रखिएगा, इसको सपोर्ट किए थे कौन भाई, तो इसको सपोर्ट किए थे राजेंद्र प्रसाद जी भी सपोर्ट किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने भी सपोर्ट किया था, तो वो सब सपोर्ट करने में थे, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन आता है उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, तो क्या बता सकते हैं या फिर आगे के क्वेश्चन में होगा ही वो क्वेश्चन। देखिए द ड्राफ्ट ऑफ क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, जो ड्राफ्ट है क्विट इंडिया रिजोल्यूशन का उसको किसने प्रिपेयर किया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर सरोजिनी नायडू, जल्दी जल्दी से जरा बताएंगे आप सभी लोग, और 20 सेकंड। यस दीपिका शर्मा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई बताएं, आशा कुमारी जी ओके, ठीक है, चलिए अब आंसर की ओर बढ़ा जाए और आंसर को देखा जाए कि क्या होना चाहिए। सर बिल्कुल सही, बिल्कुल याद रखिए ड्राफ्ट जब लिखा गया है ना बच्चों, तो आप सबको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार, ऐसे ही एक जैसे कट कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों का एक जैसा आंसर सबका कट कॉपी पेस्ट। देखिए ड्राफ्ट ऑफ क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, जो पूरा ड्राफ्ट था ना बच्चे उसको प्रिपेयर करने में थे हमारे गांधी जी, ठीक है। जिस टाइम पर यह ड्राफ्ट पास किया गया था ना उस टाइम पर अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस टाइम पर बच्चे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा, ठीक है ना, ओके। और महात्मा गांधी जी ने प्रिपेयर किया था, इनको सपोर्ट किए थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन जो होता है ना एकदम कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को, ध्यान रखिए 1942 में रिजोल्यूशन कौन लाए थे, तो बच्चे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिए रिजोल्यूशन कौन लाया, जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया, गांधी जी ने, उसको सपोर्ट किसने किया, जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से क्वेश्चन को याद रखा करो भाई, थोड़ा सा यार ऐसे तो बहुत गड़बड़ कर जाओगे तुम लोग, है ना। अब अगला क्वेश्चन अगले पैटर्न पर है, याद रखिए Who was the President of Indian National Congress when it passed the Quit India Resolution? जब Quit India Resolution पास किया उस टाइम पर अध्यक्ष कौन था? Okay, फास्ट स्पीड से बताएंगे आप लोग और इसके लिए 20 सेकंड का टाइमर बच्चों। यस 42-44 लोग लाइव है भाई, जल्दी जल्दी से जरा आगे बढ़ो यार और थोड़ा सा और लाइक वाइक शेयर वेयर करो। चलिए बढ़ा जाए सर आंसर की ओर, टाइमर अप हो चुका है बच्चों, अब देखा जाए कि क्या होना चाहिए आप लोगों के आंसर, ठीक है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर सही है, यस निशा स्वर्णवर्षा, स्टूडियो आर के जूही जी, रितेश साहब बिल्कुल सही, सिंचेन, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर अ कंसेक्यूटिव 6 ईयर, 6 वर्ष तक लगातार कौन अध्यक्ष रहे थे बच्चों, आपको बताना है, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नेहरूजी, अबुल कलाम आजाद या गोपाल कृष्ण गोखले, फास्ट स्पीड से बताइएगा। यस Try to answer.
चलो भाई जल्दी 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 जरा बताओ। चलिए टाइमर ऑफ हो चुका है, अब जरा देखा जाए कि क्या होना चाहिए सर आप लोगों का करेक्ट आंसर इसका। ठीक है तो बढ़िए भाई आगे बढ़कर आंसर की ओर जरा चलते हैं। देखिए आप सभी को बताएं कि 6 वर्ष के लिए कौन थे, अबुल कलाम आजाद साहब, कंसेक्टिव 6 वर्ष के लिए, क्योंकि 1940 से लेकर 45 तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था, इसलिए आपका सबसे लंबे टाइम तक रहने का इन्हीं को श्रेय जाता है, अबुल कलाम आजाद साहब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रैन कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, कांग्रेस रेडियो कौन चला रहा था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। पहला ऑप्शन है अरुणा आसिफ अली, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा उषा मेहता, चौथा नन ऑफ द अबव। फास्ट स्पीड से बताइएगा जल्दी जल्दी से बच्चों। यस यार 42-44 ही रहोगे, थोड़ा आगे बढ़ाओ यार इसको, है ना। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस रेडियो जो शुरू किया गया वो बिल्कुल आप सबका, जिनका भी आंसर उषा मेहता आ रहा है, यस करेक्ट आंसर, उषा मेहता जी के द्वारा ये आपका शुरू किया गया था, है ना, बॉम्बे के आसपास इन्होंने शुरू किया था। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट वॉज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके अंतर्गत, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट किया गया था, मौलाना आजाद या गोविंद वल्लभ पंत, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फास्ट स्पीड से, 47 लोग लाइव है भाई, एक बार लाइक शेयर कर डालिएगा जितने भी प्यारे बच्चों जुड़ रहे हैं, और यार सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना यदि आप नए हैं तो, है ना। बताएं लेखर कुमार, ओके बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। सो ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और देखिए इन्हीं के कारण मैक्सिमम स्टेट का जो इंटीग्रेशन हुआ ये इन्हीं के कारण अपना पॉसिबल हो पाया था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला, विच थ्री इंडियन स्टेट डिलेड एसेसन टू इंडिया इवन आफ्टर अदर प्रिंसली स्टेट हैज ज्वाइंड इंडिया, हिंदी में कहें तो अन्य रियासतों के भारत में शामिल होने के बाद भी किन तीन भारतीय रियासतों ने प्रवेश करने में देरी किया था, जूनागढ़, मैसूर, जम्मू एंड कश्मीर, इसी का अरेंजमेंट है। फास्ट स्पीड से बताइएगा, ट्राई करिए। यस भाई 45, 46, 47, थोड़ा आगे बढ़ाओ यार, लाइक वाइक शेयर वेयर। जिया सेन जी, ओके, स्वर्ण वर्षा, स्मिता जी, स्मीना जी, ओके, निशा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़कर जरा जानते हैं कि क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है सर जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़ के द्वारा एसेसन को बहुत लेट किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यस महेंद्र प्रताप जी, निशा जी, गुड। चलिए अगले पार्ट पर बढ़िए, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद अ प्लान ऑफ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये क्वेश्चन जो वन वर्ड वाले होते हैं ये यूपीएससी में नहीं पूछा जाता, आप बच्चों के लिए इसलिए मैंने लिख दिया है ये क्वेश्चन पर कि ये 2000 आईएएस प्रीलिम का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्या होता है ना, वो जो 1-2 ऑप्शन वाला होता है वो 2-3 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, डायरेक्ट हर एक क्वेश्चन उसी टाइप का होने लगे तो हमारे इंडिया में लोग आधे पगला जाएंगे भैया, हाँ समझ रहे हो ना। चलिए महेंद्र प्रताप जी गलत है, अंजलि सही है, निशा गलत है, समीना जी गलत, स्वर्ण वर्षा करेक्ट है, मनोज कुमार जी गुड मॉर्निंग भाई। तो करेक्ट आंसर क्या है सर, पंजाब, पंजाब इज द करेक्ट आंसर। पंजाब का कहना था कि उनको यूनाइटेड एग्जिस्टेंस उनकी चाहिए, बस फिर हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं उन्होंने बना दिया पेप्सू स्टेट बना दिया, है ना, पंजाब, ईस्ट पंजाब, ठीक है, इस तरह के स्टेट, हिली स्टेट सब बना दिया, उसके बाद इनको अच्छा ईस्ट पंजाब क्या है, आज जो हरियाणा जानते हैं ना उसको ईस्ट पंजाब के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिए ये आईएएस प्रीलिम 2020 का क्वेश्चन है बच्चे, तो वन लाइनर भी आईएएस प्रीलिम का क्वेश्चन रहता है, बस आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सही होना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटिव स्टेट वॉज अ पार्टी टू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल
एग्रीमेंट का हिस्सा कौन सा था, आप सभी बच्चों को बताना है, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ या मैसूर, फर्स्ट स्पीड से बताइएगा। और प्यारे बच्चों एक बात यार, 42-47 से काम नहीं चलने वाला, थोड़ा सा इसको हाई करो भाई, है ना, जल्दी जल्दी से एक बार लाइक वाइक शेयर वेयर कर डालो। चलिए देखा जाए कि क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ओके नदीम साहब सांभवी, ठीक है निशा चौधरी जी, देखिए स्टेनलेस स्टील एग्रीमेंट जो किया था बिल्कुल वो आपका हैदराबाद के द्वारा, और हैदराबाद के जो प्रधानमंत्री थे अली साहब, है ना, उन्होंने साइन किया बाद में एग्रीमेंट जिसके तहत कि ये इंडिया का पार्ट बन पाया था। सो करेक्ट आंसर है बच्चे आपका हैदराबाद, हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। चलिए हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट सत्याग्रह इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट बाय द गांधी जी, गांधी जी के द्वारा जो आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह किया गया था उसमें जो फर्स्ट सत्याग्रही थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, सरोजनी नायडू, 20 सेकंड में बताइएगा आप सभी बच्चे। ब्रजेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, और भाई जितने भी लोग जुड़ते चल रहे हैं थोड़ा सा लाइक वाइक शेयर वेयर करते रहना यार अपने अपने ग्रुप में जहां जहां आप लोग एक्टिव है ना, चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग इस पे कमेंट भी, लाइव कमेंट भी कर पाएंगे बच्चों, ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होना चाहिए। याद रखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह जो लीड किए थे गांधी जी उसमें फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे बच्चे, विनोबा भावे, ठीक है। अच्छा इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करने के पीछे का भी कारण आप सबको याद रखना है, यस, कि क्या था सर करेक्ट कारण इसके पीछे का क्या था, क्योंकि देखिए 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, है ना, तो वायसराय जो थे उन्होंने कहा, ललितगो साहब ने कहा कि देखिए आप कोई मास मूवमेंट नहीं कर सकते, बड़े स्तर का मूवमेंट नहीं कर सकते, तो गांधी जी ने कहा ठीक है हम मास लेवल पर बड़े स्तर का आंदोलन नहीं कर सकते, इंडिविजुअल सत्याग्रह तो कर सकते ना। उसके बाद बच्चे ये इंडिविजुअल सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और फर्स्ट सत्याग्रही चुने गए थे विनोबा भावे। खैर चलिए अगले क्वेश्चन पर, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही, अच्छा ये अभी तो हो गया है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, मैच द लिस्ट, आपको मैच करना है, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, दूसरा है जानती लाल जैन, तीसरा है आपका रामगोपाल तिवारी, चौथा है आपका रत्नाकर झा, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होना चाहिए इसका अरेंजमेंट, अरेंज करके आपको बताना है बच्चों, 20 सेकंड, हिंदी में भी यही है भाई, नेक्स्ट पेज पर हिंदी में भी यही है, सेम, ट्राई टू आंसर, यस। देखिए पहली बात तो ये याद रखिए, सबसे पहले तो पॉइंट को ये ध्यान देना है कि भाई जो अपने रत्नाकर झा थे, रत्नाकर झा बच्चे आपको याद रखना है, रत्नाकर झा ये दुर्ग से जुड़े हुए थे, है ना, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है रामगोपाल तिवारी, ठीक है, इनके बारे में याद रखना है भाई, इनका जो था बिलासपुर से इनका कनेक्शन, तो इस हिसाब से मेन यही दोनों कनेक्टिंग लिंक है। बाकी आप यदि कहेंगे आचार्य विनोबा भावे का, वो सब में आपको वन वन दिखेगा, तो आचार्य विनोबा भावे के बेस पर आप इसका आंसर नहीं कर सकते। सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, सी का 4 और डी का आपका 2nd, इस हिसाब से यदि देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ओके, यस, बिल्कुल बिल्कुल सिंचेन गुड वर्डन। चलिए अगला, इसी की हिंदी ये थी भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन कैम टू इंडिया, क्रिप्स मिशन जो रहा इंडिया में वो कब रहा, ठीक है, आप सभी बच्चों को बताने, 1940, ठीक, 1942, 1944, 1946, जल्दी जल्दी से बताइएगा और लाइक शेयर यार बड़े जल्दी जल्दी से करते रहे भाई। निशा जी ओके गुड, सिंचेन बहुत बढ़िया, सुमन जी, 52 लोग लाइव हुए मेरे भाई, जल्दी जल्दी लाइक वाइक शेयर वेयर कर डालिएगा, और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मंसूरी जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग बच्चे, आइए जरा आगे बढ़ा जाए। देखिए क्रिप्स मिशन आपको अभी बताया था कि भाई क्रिप्स मिशन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए सोचना ही नहीं है भाई, मार्च 1942, और इसी को तो कहा था ना पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रशिंग बैंक, पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रशिंग बैंक, है ना, ऐसा कौन कहे थे इनको, गांधी जी कहे थे, ठीक भाई याद रखिएगा, ओके ना। सो करेक्ट आंसर क्या है भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाइएगा। स्टेफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट विच इंक्लूड इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस ऑल प्रोविंस एंड द स्टेट मस्ट बी मस्ट टू मेक इंडिया द इंडियन यूनियन एनी प्रोविंस और द स्टेट कैन टेक द डिसीजन टू लिव आउटसाइड द इंडियन यूनियन और चौथा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पीपल ऑफ इंडिया चूज टू आपको करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से चुनना है बच्चों ट्राई टू आंसर है ना यस चलिए तो आंसर देखा जाए भाई सिंचेन ओके निशा अनन्या ठीक है बहुत बढ़िया तो ध्यान रखिए इसमें कुछ सोचना ही नहीं है इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस ये भी था ऑल प्रोविंसेस एंड स्टेट मस्ट बी मस्ट टू फॉर्म इंडियन यूनियन ये भी था एनी प्रोविंस और द स्टेट कैन टेक द डिसीजन टू लिव आउटसाइड द इंडियन यूनियन ये और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बिल्कुल सही तो करेक्ट आंसर यदि हम लोग कहें देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही नहीं है याद रखिए इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं कहा था कि एनी प्रोविंस और द स्टेट कैन टेक द डिसीजन टू बी आउटसाइड ऑफ द इंडियन यूनियन यह ऐसा नहीं कहा था बच्चे ठीक है तो इस हिसाब से देखें तो भाई आपका पहला दूसरा और चौथा पहला दूसरा और चौथा जो है यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जिनका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बच्चों वो करेक्ट है भाई ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चलिए इसी की हिंदी ये है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए अभी क्वेश्चन है डोंट वरी पहले ये देख लो जरा क्योंकि आज बैच स्टार्ट हो चुका है तो ध्यान रखिए बच्चों ये आपका जो बैच है ठीक है बिहार पीसीएस का टारगेट करते हुए इसके लिए भी आप वही सेम कोड Y260 से आप ज्वाइन कर सकते हैं और महापैक के थ्रू आने से और भी आपको बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट इसमें मिल जाता है 6 से 11 बजे तक की टाइमिंग है आज इसमें आज हमारी पहली क्लास है इसमें ठीक है चलिए अगले पॉइंट पर बढ़िए यूपी पीसीएस का जो टारगेट बैच है बच्चों यूपी पीसीएस का टारगेट बैच आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है इसका भी शुरू हो चुका है और इसके लिए भी सेम आपको Y260 कोड से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ओके और फिर भाई आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आपका जो महापैक है बच्चे महापैक की खासियत क्या रहती है सारी चीजें प्री के साथ साथ मेंस लेवल की भी चीजें आपको इसमें अवेलेबल हो जाती हैं और इसके लिए भी मेरे भाई आपको ईएमआई के थ्रू भी आप इसमें जुड़ सकते हैं और इसके लिए भी कोड क्या यूज करना है Y260 कोड का यूज करिए बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट के लिए चलिए सर अगले क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है चलिए पहला डोमिनियन स्टेटस एट द एंड ऑफ द वॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थर्ड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम चौथा एनी प्रोविंस कुड बी रिमेन आउटसाइड द इंडियन यूनियन फास्ट स्पीड से बताइएगा ट्राई टू आंसर यस जल्दी जल्दी बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही है भाई चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए और बताइए जरा द पर्पस ऑफ पूना पैक्ट वॉज हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनटचेबल टू प्रिविलेज द किंग रिकमेंडेशन ऑफ द डायर की बताइएगा क्या होना चाहिए बच्चों इसका करेक्ट आंसर और वही सेम 20 सेकंड यस ट्राई टू आंसर नदीम निशा सिंचेन अनन्या ओके चलिए भाई मनोज कुमार जी ओके ठीक है तो आंसर पर आइए टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू अनटचेबल बिल्कुल डिप्रेस क्लास के लिए ये आपका था पूना पैक्ट और कब किया गया था तो आपको पता है ये 24 सितंबर को है ना 24 सितंबर 1932 को किया गया था ठीक है चलिए सर अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वाज क्रिप्स मिशन का आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था आपको बताना है ठीक है पहला दैट द इंडियन स्टेट शुड ज्वाइन द इंडियन यूनियन एज कॉन्स्टिट्यूएंट कंसिडर्ड डिग्री ऑफ द
autonomy for Indians. The creation of Indian Union with the dominion status after the Second World War. The active participation and cooperation of the Indian people, communities and the political parties in the British were afforded as condition for granting independence with the full sovereign status to India after the war. The framing of the constitution for entire Indian Union with no separate constitution for any province and bataiyega kya hona chahiye bache correct answer iska. और भाई 51-52 जितने भी लोग लाइव हैं प्यारे बच्चों एक बार लाइक वाइक शेयर भी यार जरूर कर डालिएगा यार है ना. चले मनोज जी ओके निशा सिंचन बिल्कुल सही. ध्यान रखिए क्या था क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. यस बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है भाई इसका बिल्कुल एक लाइन से. हाँ हिंदी में भी है भाई स्मार्ट किंग हमारे स्मार्ट किंग कह रहे सर हिंदी में ये हिंदी में भैया ठीक है. आगे सारे क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना भाई वो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों में उसमें प्रॉब्लम हो जाती है एक पेज पर लाना. चलिए अगला ये देखो ये भी कहेंगे कि ये लो अगले पेज पर ही ले आओ. ये लो ये पूरा हिंदी में ही है. पूना पैक्ट के सांप्रदायिक पुरस्कार के उद्देश्य को हरा दिया. इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद और राज्य विधानसभा में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया. बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए. लो भाई मंसूरी जी अभी पहले ही ले आए आपके लिए बताइए. लेखर कुमार जी कहे सर रेड पेन ही यूज करिए सर. ओके सिंचन देखिए ठीक है आप लोग बिल्कुल इधर उधर जो बता रहे हैं अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पर उसके बाद फिर देखते हैं क्या है. द पूना पैक्ट डिफेंडेड द पर्पस ऑफ द कम्युनल अवार्ड. ओके दूसरा इट पेव्ड द वे फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली फॉर द एससी एंड एसटी पीपल. तो ठीक है ना इसमें क्या है बच्चे ये आपको दोनों ही करेक्ट आपको याद रखना है यानी एसर्सन करेक्ट है. यस रितेश कुमार बिल्कुल एसर्सन करेक्ट है और भैया इसका जो है ना रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है थोड़ा सा सही से इसको देखेंगे बिल्कुल दुर्गेश चौरसिया जी सालू जी ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. आइए जरा अगले पार्ट पर. भीमराव अंबेडकर एंड गांधी जी एज अ पैक्ट कॉल्ड. गांधी जी और भीमराव अंबेडकर साहब का जो पैक्ट था उसको क्या कहा था. कलकत्ता पैक्ट लंदन पैक्ट लाहौर पैक्ट पूना पैक्ट. जल्दी जल्दी से बताइएगा बच्चों. चले बताइए. ओके तो आंसर पर आइए. देखिए सबसे पहले तो ये आपको बता दें अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में जो पैक्ट हुआ था ठीक है इस पैक्ट का कोई नाम नहीं था. पहले तो ये सुनिएगा इसका कारण है आपको बताएं गांधी जी ने डायरेक्ट किसी पैक्ट पर साइन नहीं किया. पैक्ट जब कहलाता है जब गांधी जी साइन करें और ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था और उस पे कंट्रोवर्शियल आपको क्वेश्चन दिखेगा. ठीक है ध्यान रखिए गांधी जी की तरफ से आपको बता रखा है बच्चे कि किसने साइन किया था. वेल इस क्वेश्चन का आंसर यदि देखा जाए तो पूना पैक्ट ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर पूना पैक्ट है लेकिन गांधी जी के द्वारा पैक्ट नहीं किया गया था. गांधी जी की तरफ से किसने किया था वो जरा बता दो कमेंट में कई बार बता रखा आप लोगों को. ठीक है विच अमंग द फॉलोइंग वॉज इंप्लीमेंटेड आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द कम्युनल अवार्ड. क्या किसको किया गया. हाँ ये सही है फिर ठीक है लखनऊ पैक्ट आपका कराची एग्रीमेंट लाहौर एग्रीमेंट या फिर पूना पैक्ट. फास्ट स्पीड से बताइएगा. यस मदन मोहन मालवीय बिल्कुल निशा गुड. चलिए ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं बिल्कुल. तो पूना पैक्ट इस पे कुछ है ही नहीं. पूना पैक्ट इज द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन पर पहुंचे बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट साइन द हिस्टोरिकल पूना पैक्ट इन 1932. हिस्टोरिकल पूना पैक्ट को किसने साइन नहीं किया. भीमराव अंबेडकर मदन मोहन मालवीय सी राजा गोपालचारी एम के गांधी. किसने साइन नहीं किया आपको बताना है. ट्राई टू आंसर. और भाई मैक्सिमम 50-52 तक आप लोग पहुंचे हैं. मुझे लग रहा है यार कि ये सेशन को हमें छोड़ ही देना पड़ेगा है ना. तुम लोग यार थोड़ा सा लाइक वाइक शेयर भी यार कर दिया करो क्योंकि आप लोगों के
कारण से ही ये लाए जाते हैं बच्चे सेशन, ठीक है। इस पे जितने भी क्वेश्चन लाए जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के आए हुए रहते हैं प्रीवियस, और जब प्रीवियस एग्जाम वाले आप क्वेश्चन को करते हैं ना, उससे आपको काफी फायदा मिलता है, बिलीव करिए उससे आपको काफी फायदा मिलता है, ठीक है। तो यार 52-54 लोग जो जितने मैक्सिमम आज पहुंचे, थोड़ा उसको बढ़ाओ भाई। चलिए आइए अगले पॉइंट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट साइन द हिस्टोरिकल पूना पैक्ट। देखिए, हिस्टोरिकल पूना पैक्ट किसने साइन नहीं किया था बच्चे, याद रखिए, भीमराव अंबेडकर साहब ने तो साइन किया ही किया, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी की तरफ से साइन किया था, ठीक है। अब सुनिए, राजा गोपालचारी जी ने भी साइन किया था, और इवन राजा गोपालचारी जी ने क्या किया, मदन मोहन मालवीय ने पेन से साइन किया, उस पेन को उठाकर अपना साइन किया राजा गोपालचारी जी, उसके बाद पेन का एक्सचेंज किया गया किसके साथ, अंबेडकर साहब के साथ। तो पेन एक्सचेंज, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि पेन एक्सचेंज अंबेडकर साहब के साथ किसने किया था, हर एक पार्ट पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो राजा गोपालचारी ने भी किया, पेन एक्सचेंज किया, ध्यान रखना पेन एक्सचेंज करने वाला पॉइंट। गांधी जी जेल में थे भाई, तो इन्होंने नहीं किया, और जो नहीं किया वही तो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला। हाँ अच्छा, निशा जी कह रहे पेड बैच ले आइए सर जल्दी से। पूना पैक्ट ऑफ 1932 हरिजन सेवक संघ वाज एस्टेब्लिश्ड, इट्स प्रेसिडेंट वाज। पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, जगजीवन राम, घनश्याम दास बिरला, भीमराव अंबेडकर या अमृतलाल ठाकर, बताइएगा बच्चों फास्ट स्पीड से। और यार जितने भी प्यारे बच्चों जुड़ रहे हैं, लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, और शाम को 6 बजे वाले सेशन में किसी को मिस नहीं करना है मेरे भाई, है ना। चलिए आंसर पर बढ़िए। देखिए, पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ जो बनाया गया, उसमें आपको ध्यान रखना है बच्चे, जगजीवन राम है ना, आपका घनश्याम दास बिरला, ठीक, भीमराव अंबेडकर, अमृतलाल ठक्कर, किसको अध्यक्ष बनाए, तो याद रखिए जीडी बिरला जो है ना, इनको अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखिए, हरिजन सेवक संघ बनाए 1932 में, और हरिजन नामक पत्रिका निकाले गांधी जी, हरिजन नामक पत्रिका निकाले थे गांधी जी 1933 में, है ना, नासिक से वीकली 1833 में, ठीक है, 1933 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर। जयप्रकाश नारायण विज एसोसिएटेड विद विच पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा। बच्चों फास्ट स्पीड से बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण किससे जुड़े हुए थे। यस, बताओ भाई। ओके, लेखक, लेखक कुमार, अच्छा अच्छा अरे भाई गलत बोल दिया यार तुम्हारा नाम, चलिए माफी चाहेंगे, बताइए लेखक जी। यस, और सिंचेन जी, स्वर्णिमा, स्वर्ण वर्षा, ओके, प्रशांत, संयुक्ता, मंसूरी, चलिए भाई आंसर की ओर, मोहम्मद, मोहम्मद कासिम साहब अनन्या जी, ठीक है। देखिए, जयप्रकाश नारायण वॉज एसोसिएटेड विद विच पार्टी, तो भाई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP, 1934 को इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, 1934 को इसको एस्टेब्लिश किया था। चलिए ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़िए, और अगले क्वेश्चन को जरा देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय, बिहार सोशलिस्ट पार्टी किसके द्वारा बनाया गया था, जेपी नारायण है ना, अगला है सत्यबोधक, अगला है MN रॉय, चौथा है आपका सुभाष चंद्र बोस, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सिंचेन, संयुक्ता, निशा, ओके, मोहम्मद कासिम साहब, ठीक है, ओके, अंजलि। देखिए करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, आप सभी को बता दें, वैसे इसमें जयप्रकाश नारायण दे रखा है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण दे रखा है, एक्चुअली बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सीओर के द्वारा बनाया गया था, जो जिनका नाम अभी है नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये जयप्रकाश नारायण जी उनसे एसोसिएटेड थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आपको एक्चुअल नाम मिलेगा जिन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी को स्टार्ट किया था, ठीक। खैर, हु फाउंडेड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931, देखिए आगे, फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, अगला है नर हरि पारिक, और चौथा है आपका दादा भाई नेहरूजी, पांचवा नन ऑफ द वन मोर देन वन, ये 2 साल पहले का क्वेश्चन था। कौन थे फिर, निशा जी आ गया, कौन थे फिर, जल्दी करो आंसर, वही तो हम लोगों को एग्जैक्ट चीजें पता ही नहीं रहती है, पता है जो
क्या बताएं निशा, चलो करो। देखिए भाई करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल सुमन है ना, फूलन प्रसाद वर्मा इज द करेक्ट आंसर। 1931 में ये बनाए थे, ठीक है। बाद में जाकर जयप्रकाश नारायण जी और सभी लोग ना उनसे जुड़े थे इस पार्टी के साथ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, हु इज नोन एज लोकनायक, सिंपल सा क्वेश्चन है, फास्ट स्पीड से बता देना। और यार जो भी प्रेजेंट है मेरे भाई, लाइक वाइक शेयर वेयर कर डालो यार जरा, है ना। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, जल्दी से बता दो, ये ज्यादा भारी भारी तो है नहीं, है ना। बिल्कुल स्वर्ण वर्षा, गुड। चलिए अब इसको बताइए, बिंदु जी, निशा सिंचैन, दुर्गेश चौरसिया जी, स्टूडियो आर के, मोहम्मद कासिम साहब। चलिए यस, बिल्कुल सही, जयप्रकाश नारायण पूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति लाने वाले के रूप में भी ये जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बा विच नेम जयप्रकाश नारायण, ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया ना, इसको हटाओ। जयप्रकाश नारायण दिवस वॉज सेलिब्रेटेड इन, ट्राई करिएगा आंसर करने की। वैसे ये क्वेश्चन भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हाँ ये सारे सिंपल क्वेश्चन आ गए क्या, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा है। आओ, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बॉम्बे मैनिफेस्टो साइन इन 1936 ओपनली अपोज द प्रीचिंग ऑफ द सोशलिस्ट आइडिया, इट इवोक्ड सपोर्ट फ्रॉम अ लार्ज सेक्शन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस द सेक्शन। आप सभी को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई। और आइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने के लिए, देखिए ऑप्शन आपके ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, और थर्ड है, फिर फोर्थ है आपका नाइदर वन नाइदर टू। थोड़े टफ क्वेश्चन भी तो होने चाहिए ना, मेंटेन रहना चाहिए, दो सिंपल तो एक टफ, स्टैंडर्ड इस तरह का रहना चाहिए ना। चांदनी कुमारी, ओके, भाई यस, चलिए करेक्ट आंसर है सर। देखिए बॉम्बे मैनिफेस्टो साइन जो हुआ था 1936 में, ओपनली अपोज किया था प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडिया, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इट इवोक्ड सपोर्ट फ्रॉम अ लार्ज सेक्शन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी ऑल अक्रॉस द इंडिया, ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर क्या है भाई, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो ही ऑप्शन है इसमें क्या। चलिए अगला, द प्रोविंस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस कुड नॉट गेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी ड्यूरिंग द इलेक्शन वॉज, कहां पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली थी, बॉम्बे, आसाम, ओडिशा, बिहार। बताइएगा बच्चों कि करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए। और यार जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा लाइक वाइक शेयर वेयर करते रहो यार, है ना। बिल्कुल सही, गुड, सिंचैन, ओके, निशा, स्वर्ण वर्षा, ठीक है, निकिता जी, गुड़िया जी। चलिए बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, आसाम, आसाम इज द करेक्ट आंसर। देखिए पांच जगह पर पूर्ण बहुमत मिला था इनको, 11 जगह पर चुनाव हुए थे 11 प्रोविंस में, जहां से बच्चों आपको पांच जगह का नाम याद रखना है, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, है ना, ओडिशा, ठीक है, तीन हो गया ना, एक सेंट्रल प्रोविंस, और फिर सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार, एंड पांचवा है मद्रास। इन जगहों पर इनको पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है। बॉम्बे में बच्चे, बॉम्बे में इनकी जो हुई थी ना, सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी बॉम्बे में भी नहीं आई थी, यह भी याद रखिएगा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी। इस हिसाब से देखें तो यहां पर आसाम आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला, 1936 कांग्रेस कुड सिक्योर्ड अ मेजोरिटी इन द नंबर ऑफ स्टेट, 3, 4, 5, 6, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर, ट्राई टू आंसर। सिंचैन का अब कहीं नहीं मिलता कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी। देखो सिंचैन, वक्त होता है पास हो जाता है, ठीक है, वक्त कब किसका बदलता है कोई नहीं जानता भाई, तो चलने दो जैसी चल रही है कहानी, ठीक है। चलिए अनन्या जी, ओके, स्वर्ण वर्षा, समीना जी, ठीक है, निशा, प्रशांत, देखिए भाई करेक्ट आंसर क्या है, कितने जगह पर है, तो करेक्ट आंसर आप सबको याद रखना है, मेजोरिटी
क्लियर मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी कितने जगह पर है, 5 जगह पर बच्चे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 5 जगह पर क्लियर मेजोरिटी है, ठीक। लेकिन जो छठा जगह है ना बच्चे, छठा जगह जो है बॉम्बे, इसमें क्लियर मेजोरिटी नहीं था भाई, है ना। सबसे बड़ी पार्टी थी, अभी बताए थे पीछे, है ना, सबसे बड़ी पार्टी थी बच्चे, लेकिन क्लियर मेजोरिटी नहीं। मेरे भाई जितने भी लोग जुड़ रहे हैं यार, लाइक वाइक शेयर वेयर करते रहो यार, है ना। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन सेंट्रल असेंबली लेजिस्लेटिव वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हिंदी में कहें तो इनमें से आपको करेक्ट करना है, सही चुनाव करना है। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया, 1926, 1937, 1945, आपको ऑप्शन है 1, 1, 2, बताइए। यस, ओके, चलो आंसर की ओर देखा जाए। देखे भाई, आप सभी को बता दें, आपने जाना कि 1937 का जो इलेक्शन हुआ था ना बच्चे, ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपको पढ़ा रखा है 1935 के अकॉर्डिंग, तो जो पढ़ाया गया उसको ध्यान रखा करिए, बाकी सब खत्म, ठीक है, 1935 के अकॉर्डिंग। बचा हुआ जो रहा 1926 वाला, 1945 वाला, ये हुआ था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार, यानी ऑप्शन ए एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलो सुनो बच्चे, लाइक शेयर जरूर करते रहिए आप सभी बच्चे लोग, और साथ साथ भाई क्लास के बाद जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहता है ना, वो अभी दे दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है आप सबका, क्लास के बाद आपको बताना है, ठीक है, कि यूनाइटेड प्रोविंस में जो मेजोरिटी हासिल की थी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वक्त, या चलो ये छोड़ो, ये ज्यादा टफ हो जाएगा आप लोगों का, पहले जरा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने कितने महीने तक सरकार रही थी, गवर्नमेंट कितने मंथ तक रही थी, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, इसी से रिलेटेड, कि भाई कांग्रेस के मंत्रालयों ने किस टाइम पर, किस दिन रिजाइन किया, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसीलिए हमने दिया है आपको। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिए कि फर्स्ट जो कांग्रेस का, ठीक है, गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई वो कितने मंथ के लिए हुई, दूसरा जो रिजाइन किया वो किस दिन रिजाइन किया, ठीक है। प्रशांत कहे ये क्वेश्चन था एमपीपीसीएस का लास्ट ईयर सर, अरे धन्यवाद भाई। चलिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, और शाम को 6 बजे जरूर मिलेंगे यार, इस तरह से यार आप लोग एकदम बहुत कम पहुंच जाते हैं, एक दो दिन छोड़े नहीं कि एकदम गायब हो जाते हैं। शाम को सभी बच्चों को 6 बजे साइंस की क्लास में मिलना है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, नमस्कार। चलिए।